नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल जैसा हो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ रियांशी विद कैमरा पर्सन मिट्टू। सो वी आर हियर एट नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल और ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर आपको बता दें कि काफ़ी सारे बच्चों के यहाँ पर उम्मीदों को, आप कह सकते हो कि सपनों को उड़ान भरता है नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल। एग्जैक्टली बात करें यहाँ की खासियत क्या है, तो ऑलमोस्ट 1996 से ये स्कूल चल रहा है अंडर माँ गीता देवी एजुकेशनल सोसाइटी। ये जो स्कूल है ये CBSE इंग्लिश मीडियम बोर्डिंग कम डे स्कूल है जो कि सिलीगुड़ी में काफ़ी नाम कमा रहा है। और आपको ये भी बता दूँ कि एजुकेशनल वर्ल्ड के द्वारा इस स्कूल को सेकंड बेस्ट को एजुकेशनल बोर्डिंग स्कूल इन एंटायर वेस्ट बंगाल के भी खिताब से इसको नवाजा गया है। तो आप समझ सकते हो कि ये एक ऐसा स्कूल है जहां पर बच्चों के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, उनके को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें, एकेडमिक्स की बात करें, सब कुछ का भरपूर ध्यान यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा भी जिसके लिए स्कूल को नवाजा गया दैट इज़ यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे आपके बच्चों को। अगर आप वर्किंग पेरेंट्स हैं और कहीं से भी ये वीडियो देख रहे, जैसे कि बिहार हो गया, आसाम हो गया या फिर नियर बाई कंट्री जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, कोई भी कंट्री से आप ये देख रहे हो और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल जो कि रानी डांगा अपोजिट टू SSB कैंपस के सिचुएटेड है, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई करें तो ज़रूर से आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ कि ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर ऑलमोस्ट 1500 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो फिलहाल यहाँ पर पढ़ रहे हैं और हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पर बहुत ही उम्दा रखा गया है। ऑलमोस्ट 300 प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर, उनको हॉस्टल फैसिलिटी जो है फिलहाल यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उनके खाने से लेकर सभी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। डाइनिंग हॉल में बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों के लिए खाने का व्यवस्था किया जाता है। दिन में फाइव टाइम्स उनको मील जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। वेज नॉन वेज दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर बच्चों के लिए दिए जाते हैं। तो मैं बता दूँ कि जितना मैं कहूँगी स्कूल के बारे में शायद उतना कम होगा, क्योंकि बच्चों के सारे चीज़ों का यहाँ पर खासा ध्यान रखा जाता है। जो बच्चे यहाँ पर अपने घर जैसा महसूस करें, अपने सेकेंड होम जैसा यहाँ पर ज़रूर से महसूस करें। मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ से जो शुभ सूत्रधर है, जो फाइनलिस्ट रह चुके हैं सुपरस्टार सिंगर के, वो भी इसी स्कूल के स्टूडेंट हैं और उन्होंने जाकर मुंबई पे, आप कह सकते हो सिर्फ इस क्षेत्र का ही नहीं बल्कि सिर्फ वेस्ट बंगाल का ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। तो मैं बता दूं कि यही वो स्कूल है नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल जहां से शुभ सूत्रधर जैसे सिंगर भी यहां से निकलकर अब अपनी जो पहचान है वो बना रहे हैं। तो आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, चलिए अंदर की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या कुछ फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल सिलीगुड़ी हैज मॉडर्न लैब्स दैट हेल्प स्टूडेंट्स लर्न थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स। These labs cover subjects like physics, chemistry, biology, maths, geography and computer science, making it easier for students to understand how theory works in real life. The school also has a large library. Teachers and lab assistants guide students during regular experiments, giving them practical experience with different tools and equipment. The labs meet CBSE standards and have safety rules in place to prevent any accidents. The lab make learning fun and creative, encouraging students to explore beyond classroom lessons. So we have principal of North Point Residential School, ma'am Sumita Rai with us. Hello ma'am, welcome to Hello, Kursana. Thank you so much. You're okay. Most welcome to NPRS. Yeah. Ma'am, North Point Residential School is very reputed school and yes. In this entire region, right ma'am? So kya khas banata hai school ko, thoda sa hamare darshakon ko aap bataiye. So North Point Residential School had a very humble beginning at Lake Town Navagram in the year 1996. With the minuscule staff and student. We have already entered into our 20th year of service to the nation. And what is the USP I can say is that we have been very able to connect with the parents and the child to understand their expectation from the school. And what we have felt is that today there is no dearth of good school. There are good schools with good infrastructure, qualified staff. But somewhere, okay, very important essence of education is that today we are having very acute problem of morality, value system. We can say decay of value system because the family is shrinking. There are so many issues are coming. I think we have been able to tap on that need. And because of that, every child feel
at home here once they come. And that is the basic things we see. After that, we start working on academic need and other needs. Okay, ma'am, if you talk about the academics thing, so ma'am, how special is North Point Residential School in point of academic section? In terms of academic, as we are following CBSE curriculum, so if you see closely CBSE curriculum system, there are wide range of academic subject, electives are there, languages are there, and another new addition is that a wide range of skill-based subject. And beside that, we are having co-scholastic area. Normally what happens is that many school doesn't care that side. Like if I talk about 11 and 12, we are having three subjects. HP is there, general studies is there, and work experience is there. Normally what happens, other schools are, many schools are there where I have seen myself, that these are not paid attention to. And what happens is that people are given graded as per the academic subject. But what we do is that we do have due place for this scholastic area, co-scholastic area, and we are working hard day and night with the children in the classroom and in remedial classes and all the possible technologies and resources we are providing. And we are very, very blessed that we are having a very qualified team, dedicated team, who go beyond school time. Okay, ma'am, there is hostel facilities as well, right, in this school? That's true, that's true. So ma'am, कहाँ कहाँ से बच्चे यहाँ पर पहुँच रहे हैं, थोड़ा सा बताइए कि लाइक हमने सुना है कि यहाँ पर फ्रॉम नेपाल, फ्रॉम बांग्लादेश एंड फ्रॉम दी नियर बाई स्टेट्स लाइक असम एंड बिहार, स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम दैट साइड आल्सो. दैट्स ट्रू, लाइक एट प्रेजेंट वी आर हैविंग स्टूडेंट्स मोस्टली फ्रॉम नॉर्दर्न स्टेट्स, लाइक इट इंक्लूड्स वी आर हैविंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल ऑल्सो. इन फैक्ट इट्स नॉट दैट स्टूडेंट्स आर ओनली कमिंग फ्रॉम वेरी फार अवे. यस, वेस्ट बंगाल वी आर हैविंग, फ्रॉम दार्जिलिंग वी आर हैविंग. We are having Sikkim also. We are having Bihar. Bihar is our prime area where large number of students are coming from. UP we are having. And Northeast now, there is a regular flow of students from all seven sisters, including one brother, Sikkim. And we are having students from international, across international borders also, especially Bangladesh and Nepal. Okay, ma'am, what message you want to convey as a principal to our audience? So as a principal, I'm representing this institution. So we are running at two sites at present. We are having our mother school at Navagram Lake Town. And this is the branch which was brought here in 2012. What I can say to every person who are there keeping faith on us and our work, that I give you my conviction that once you bring your child, then definitely they will be in right hand. So we'll be working together. It's not that we'll work, you have to also work together. Wherever needed, we'll be guiding you, we'll be demanding your support, and definitely we'll be there to lend our ears if there is any problem. You are always free to come because we are having free access to his. You can always come to any one of us if there is any problem. So we are not bounded by time hours or visiting hours. We are always there to listen to parent. Definitely they come for their child's problem only. थैंक यू. ओके मैम, थैंक यू सो मच. नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल के हॉस्टल कोऑर्डिनेटर राजू थापा सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है. हेलो सर, वेलकम टू खबर समय. थैंक यू मैम, एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम टू नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल रंगा. यस मैम, वी हैव स्टूडेंट्स यू नो अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑल्सो इंटरनेशनल, लाइक एज यू सेड बांग्लादेश एंड द स्टूडेंट्स फ्रॉम नेपाल, एंड देर आर मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो एंड फ्रॉम सिक्किम भूटान. We have given lots of facilities according to the student, according to the category. We have got boys hostel and the girls hostel. We have got the junior students, students from classes 1, the parents who are working abroad, and there are some single parents also. We are the students are well taken care of. Each dormitory has a warden, special warden, and there are two sisters assisting them. Okay. So for the, especially for the the junior students, we have got sisters who take bath for them and washing and everything. So I guess the students are very, very happy.
the parents also very happy. And I'd like to add one more point that this year, you know, the strength of the hostel has increased in leaps and bounds. Okay, how many students have presented? Right now we have got 300 plus students in the hostel. So huge both, number. Both. Yes, ma'am, yes. So हम ज़रूर से देखना चाहेंगे कि कहाँ पर बच्चे रह रहे हैं, क्या उनकी हाइजीन की, क्योंकि नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो कि बच्चों का खासा ध्यान रखती है, हाइजीन के मामले में बेहद ध्यान रखती है। हम ज़रूर से ऊपर की तरफ भी चलना चाहेंगे। मैं बता दूं कि इनके पास बहुत सारे रूम्स हैं जहाँ पर पार्टीशन वाइज बच्चों के क्लासेस वाइज बच्चों को रखे गए। राइट, सो सर हम बिल्कुल से चलेंगे। ओके ओके, सो फाइनली हम अपस्टेयर्स पर आ चुके हैं और यहाँ पर जानते हैं कि बच्चों के लिए क्या कुछ फैसिलिटीज दी जा रही है। जी सर। मैम, दिस इज द फर्स्ट फ्लोर। ओके, एंड हियर वी हैव गॉट, प्लीज कम, 1 2 3 4 5 6 7 रूम्स हियर, एंड इन ईच रूम देयर आर 4 बेड्स। लाइक वी विल कम फॉर स्टूडेंट्स, प्लीज कम। ओके, सिंगल रूम, राइट, फॉर द बोर्डर्स, एंड दिस इज द एग्जीक्यूटिव क्लास। वी हैव द स्टडी टेबल हियर, and we have got cabinets also. Each student will have one cabinet here. Yes. And yes, this cabinet is for the students. Okay. And we have got the AC here, right? And the geysers are there. So all the facilities, you know, which a student should have. And we give a homely type of, you know, comfort to the students here in North Point Residence School. Yeah. And we take care of the, you know, the health and hygiene, the cleanliness, Everything. Ma'am, actually, just now I showed you the 4-bedded room. We have got a 5-bedded room, 6-bedded room, 7-bedded room also. And as you can see, you know, the aqua guard is here. It's a drinking facility for the soap. We take most, you know, very utmost care for the health and hygiene. Okay. So the students should get clean and purified drinking water. The drinking water is here. This is the washroom area. We've got the toilet area at this side. Okay. And I shall take you to this room where... Okay. I showed you the 4-bedded one. This is the 6-bedded. Okay, so this is according to the parents' choice, no? Okay. The parents, they will choose whether they want the 4-bedded or the 5-bedded or the 6-bedded room. This is the 6-bedded room. Here, 6 boarders stay here. CCTV यहाँ पर जो कैमरा है वो भी है। मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर 24 hours for the security of the child, okay. No? And we have put the monitors there. Where it is being watched every time. And we have around 200 something, you know, CCTV cameras all over the school. Amazing. तो देखिए, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पर बच्चों का यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। हम अलग अलग जो क्लासेस हैं वहाँ पर जा रहे हैं, अलग अलग सेक्शन बच्चों के लिए बनाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे से लेकर सब कुछ यहाँ पर अलग अलग बच्चों के लिए व्यवस्था ज़रूर से की गई है। चलिए आगे की तरफ चलते, दिखाते हैं आपको यहाँ पर और कुछ क्या खास यहाँ पर हमें नज़र आता है। सो फाइनली हम हॉस्टल लॉबी पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर बता दें कि हम चलेंगे जूनियर सेक्शन के जो बच्चों हैं उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी क्या कुछ दी गई है उसको दिखाएंगे आपको। तो सर जरूर बताइए यहाँ पर क्या कुछ किया। मैम, दिस पर्टिकुलर एरिया इज द हॉस्टल लॉबी वेयर द पेरेंट्स कैन कम एंड दे कैन रिलैक्स। वी डू द रिपोर्टिंग एंड डिस्पर्सल फ्रॉम हियर इटसेल्फ। ओके, एंड हियर द पेरेंट्स कैन कम, दे कैन टेक रेस्ट, दे कैन मीट देयर ओन वार्ड्स एंड ऑल देयर चिल्ड्रन। ओके, एंड आई विल टेल यू रिगार्डिंग द किड्स जोन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, नो दैट वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 1, क्लासेस 2। सो आई एम गोइंग टू टेक यू टू दिस पर्टिकुलर रूम where we have got the toddlers, the smaller ones, the juniors. Okay. Please come. तो ये देखिए, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए रूम रखा गया, बिल्कुल बहुत ही आप कह सकते हो कि सारे चीज़ों से लैस ये हॉस्टल रूम यहाँ पर दी गई है विद टीवी, टेलीविजन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि दैट इज फॉर द कार्टून शोज, नो, फॉर द चिल्ड्रन। ओके, अमेजिंग। तो देखिए यहाँ पर बच्चों के लिए कार्टून शोज़ के लिए, या फिर कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बच्चे कुछ देखना ज़रूर से पसंद करते हैं टेलीविज़न में, तो उनके लिए वो अपने घर जैसा यहाँ पर फील करें, सेकंड होम आप कह सकते हो, वो सभी चीज़ें यहाँ पर स्कूल की तरफ से दी जा रही हैं। सर और क्या कुछ यहाँ पर दिया गया, थोड़ा सा आप हमें बताइए क्या कुछ। लाइक द स्मॉल चिल्ड्रन, यू नो, दे हैव बीन टेकन केयर एज देयर इन एट होम, नो, द पेरेंटल केयर इज देयर। One warden is here 24 hours with the children. Okay. All right. And as I told you that we have the sisters also, the dormitory sisters, who take great care for the children. Okay. No? To take bath and to make the uniform, to change the uniform. No. Okay. And of course the uniform part, it goes to the laundry. Laundry. No? So the children, they enjoy, they sleep nicely. Like you said, no, whenever they could
board or sometimes we show them some cartoon show before they sleep. Not but every day, only sometimes. तो इस वक्त हमारे साथ हॉस्टल इंचार्ज गर्ल सेक्शन की दिव्या मैम और समीक्षा मैम इस वक्त जुड़ चुकी हैं. हेलो मैम, वेलकम. हेलो मैम. ओके मैम, अगर बात करें कि गर्ल्स सेक्शन में क्या कुछ यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाए. एक्चुअली वी आर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स फैसिलिटी, वी हैव एवरीथिंग आउट हियर. द गर्ल्स आर ऑल्सो वेरी टैलेंटेड. नो, वी हैव द डॉर्मेटरीज विद द वार्डन्स एंड विद द हेल्पिंग दिस वन. दीदीज आर देयर ऑल्सो टू हेल्प देम. एंड वी हैव दिस वन A single cupboard, we are providing them for their belongings to keep. And we have CCTV facility also. If you are talking about the safety and security of the girls, we have the camera, CCTV installment. Yes, yes, ma'am. Okay, so we can see that the room is very spacious and आप देखो कि अलग अलग students के लिए अलग अलग bed यहाँ पर रखे गए हैं. And अगर आप देख रहे हो कि बहुत airy है, air condition यहाँ पर दिया हुआ है students के लिए, अलग अलग cupboards हैं उनके लिए. जैसा कि एक उनके घर पर होता है, तो सभी कुछ जो भी facilities हैं वो चीज़ें यहाँ पर ज़रूर से दी जा रही हैं. Okay, ma'am, like we were talking about the safety and security of this girl students, right? So CCTV camera is installed nearby all the areas, right? Yes, yes, ma'am. Okay. Outside the corridor, staircase, not in the dormitories, yeah, because dormitories. We cannot install in the girls' dormitory. Exactly. But outside we are there. The CCTV camera is there. Okay. Outside. And the wardens are staying with the girls only inside the room only. Yeah. And didis are there to help them. In each and every dormitory. तो जैसे कि हमें पता चला यहाँ पर हर रूम में एक वार्डन तो रहते हैं, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑलमोस्ट 12 बेड्स, 12 स्टूडेंट्स एक साथ में मिलकर यहाँ पर रह सकते हैं. समीक्षा मैम, और क्या कुछ यहाँ पर मिलेंगे? Apart from this, we mostly focus on the safety and security of the children, especially the girl child. Okay. That is our first priority. Overall, we mostly look into the overall development of the child. We ensure that each and every warden guides them, helps them, not only in their academics, but overall development of the child, except co-curricular activities as well. Okay, so here we are having 12 students, including one warden, who will help them and guide them whenever they are in need. Okay, ma'am, काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, सो दे नीड टू गो टू देयर होम एज वेल, होम टाउन जो है उनको वहाँ भी जाना पड़ता है. तो क्या है वो पूरा प्रोसीजर? पेरेंट्स आते हैं उसके बाद? यस, एक्चुअली द डिस्पर्सल एंड रिपोर्टिंग इज डन बाय द ऑथराइज गार्जियन. इफ दे आर नॉट हैविंग एनी ऑथराइज गार्जियन, इफ दे आर नॉट हैविंग देयर ओन गार्जियन, दे नीड टू हैव एन ऑथराइज लीगल लोकल गार्जियन हु कैन कम एंड रिसीव देम or who can come and report them. Okay. In the hostel. It is for the safety for the students as well. The students, right? तो हमने यहाँ पर जो बोर्डिंग के लिए बच्चे आते हैं उनके रहने का किस तरह से व्यवस्था किया गया सभी चीज़ें आपको दिखाई. अब बात आती है फूडिंग पार्ट, देखते हैं कि यहाँ पर यानी कि नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चों के लिए फूडिंग में क्या कुछ यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे. बच्चों के फिलहाल लंच चल रहे हैं यहाँ पर, तो ये बेस्ट मौका है आपको दिखाने का कि यहाँ पर बच्चों का खासा ध्यान क्यों रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए हाइजीन बहुत जरूरी है. हाइजीन का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया है विद सिस्टमैटिक वे में. यहाँ पर बच्चे जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं. वी कैन अकोमोडेट यू नो अराउंड 250 टू स्टूडेंट्स हियर. दिस इज द लंच टाइम. वी सर्व आवर स्टूडेंट्स 5 टाइम्स, यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेकफास्ट एंड द मिल्क ब्रेक एंड द लंच एंड द इवनिंग एंड द इवनिंग स्नैक्स एंड ऑफ कोर्स द डिनर पार्ट. वी सर्व नॉन वेज एंड वेज Veg, pure veg also. Yes, that means both the options are available. Yes, yes. Yeah, as you can see, we have got 2 counters there, one for the non-veg and one for veg. So, sir, बात करें यहाँ पर, आपने तो बता ही दिया like veg and non-veg both the options are here. So, apart from this, breakfast में क्या कुछ बच्चों को यहाँ पर provide किए जाते हैं? Anything? Yeah, yes, ma'am. We have different menu for each day. We never serve one menu. Like Monday, if we serve puri, the Tuesday where we are serving them toast bread and all. We have got different types of menu. Every day we serve. And the best part of North Point Regional Schools, this hostel, is we have our own confectionery department, the bakery department. We do not buy anything from outside, neither bread, no, neither sweet. Whatever it is, we prepare here itself in the kitchen here. Okay, like if the students want to take the sweets and all, like bakery item they want to eat, so you have bakery and all confectionery items here only? Of course, yes. Yes, ma'am. Actually, no. The birthdays which we celebrate here for the students, all the cakes are prepared here. Wow, that's
अमेजिंग। तो देखिए बाहर के जो केक्स और ब्रेड्स की मैं बात करूँ वो लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल में, वो यहाँ पर यानी कि अलग सा यहाँ पर बेकरी सेक्शन है जहाँ पर बच्चों के लिए सभी चीज़ें तैयार किए जाते हैं। आप देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चे सबसे पहले तो अपनी प्लेट्स यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर जो जो फूड आइटम्स बच्चों के लिए रखे गए हैं वो यहाँ पर उन्हें सर्व किया जा रहा है। बहुत ही सिस्टमैटिक वे में बच्चे यहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही हाइजीन का ध्यान रखा गया है, जो सर्व कर रहे हैं उनके हाथों पर आप देख सकते हो कि ग्लव्स है। साथ ही साथ आगे की तरफ भी देखोगे तो अलग अलग दो काउंटर बनाए गए हैं। सो वेल एंटर टू द किचन, यहाँ पर दिखाएंगे आपको कि क्या कुछ किस तरीके से बच्चों के लिए यहाँ पर खाना जो है फूड जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। जी सर। यस मैम, आई हैव शोन यू द डाइनिंग हॉल एंड वी ऑल्सो हैव दिस सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम आउट हियर। नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टुवर्ड्स द किचन एरिया वे द फूड इज प्रिपेयर्ड। वी हैव गॉट एक्सपर्ट शेफ, नो द स्टाफ इज देयर। मैम प्लीज कम इनसाइड। यस, दिस इज द किचन एरिया एंड वी डू टेक यू नो केयर for the veg and non-veg. As you can see, we have got different ovens, different utensils we use to prepare the non-veg as well as the pure vegetarians. जैसे कि सर ने बताया नॉन वेज और वेज के लिए अलग अलग यूटेंसिल्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। और मैं ये चीज़ भी दिखाना चाहूँगी आप सभी को कि यहाँ पर जो शेफ़ है या फिर जो भी स्टाफ मेंबर्स है सभी के हेड पर आप देख सकते हो कि कैप उन्होंने पहना हुआ है। राइट सर, पीपल वर्किंग हियर दे आर यूजिंग द कैप। यस यस, एज यू कैन सी यू सॉ दैट यू नो द सिस्टर्स वर सर्विंग, दे वर कैप एंड दे वर यूजिंग ग्लव्स आल्सो। सो वी गिव वेरी वेरी यू नो मच केयर टू द हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन एंड क्लीनलीनेस आल्सो। कमेंडेबल है कि एक ऐसा स्कूल है जो कि बच्चे काफ़ी दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं, उनको ऐसा फील नहीं होता है कि वो अपने घर से दूर है। तो चलिए आपको ये सेक्शन पर लेकर चलते सर, प्लीज़ एलाबोरेट। दिस इज द कॉन्फेक्शनरी डिपार्टमेंट, द बेकरी एंड नॉर्थ पॉइंट रीजनल स्कूल। नो वी आर प्राउड टू हैव दिस टीम ऑफ एक्सपर्ट यू नो कॉन्फेक्शनर्स आर हियर एंड एज यू कैन सी दिस वन, दिस इज द इवनिंग स्नैक्स वेज पफ इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर our students. Okay. The evening snacks starts at 5 o'clock. Okay. We have got expert chef here, expert cook, and you can interact with our bakery specialist here. Okay, तो हम यहाँ पर बेकर जो स्पेशलिस्ट है, बेकरी स्पेशलिस्ट, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? माई नेम इज बाबुल ओरे मैम। सो यहाँ पर क्या कुछ नए नए दिन में हमने सुना कि बच्चे भी काफ़ी खुश है कि यहाँ पर हर एक दिन नया नया उनको फूड ऑप्शन जो है वो ट्राई करने का मौका मिलता है। तो क्या कुछ बना रहे हैं आज आप लोग फिलहाल बच्चों? जैसे कि मैम देख रहे हैं आज इवनिंग स्नैक्स में भेज पैटीज है। ऐसे हम लोग रोज़ नए नए देने की कोशिश करते हैं, जैसे पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, सैंडविच हो गया, ठीक है ना। और मेन किचन से भी देते हैं हम लोग। और डेजर्ट में आपका वैरायटी पेस्ट्री, डेजर्ट, कस्टर्ड, नया नया कुछ। अच्छा, और बच्चों के हमने सुना है कि बच्चों के बर्थडे का भी केक यहीं से बनकर तैयार होता है, तो ये भी काफ़ी खास है, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ यहीं पर हो जाता है। जी मैम, सब कुछ ये भी होता है, सब कुछ ये भी। बहुत खूब। तो देखिए बच्चों के लिए यहाँ पर आज शाम के लिए जो स्नैक है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है। स्नैक्स आज बन रहा है यहाँ पर वेज पफ, तो ये ज़रूर से उनको पसंद आने वाला है। बिल्कुल शायद ऐसा उनको इंतज़ार रहता होगा कि आज शाम को क्या स्नैक्स मिलने वाला है, आज इवनिंग को क्या मिलेगा, आज लंच को क्या मिलेगा। और देखिए ये सभी तमाम जो फूड ऑप्शंस है ना, सिर्फ बच्चों को ध्यान में रखकर कि वो अपने घर से दूर महसूस ना करें, उनको वो जो घर वाला खाना है ना वो यहाँ पर ज़रूर से मिल जाए। आई वुड लाइक यू टू मीट आवर शेफ वर्क्स, इज द इन चार्ज ऑफ द डाइनिंग हॉल। हेलो सर, वेलकम टू खबर समय, राकेश प्रामाणिक। अच्छा राकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या कुछ बच्चों के लिए नए नए चीज़ें, जैसे कि हमें हम लोग डेली बेसिस एक हेल्दी डाइट मेंटेन करके बच्चों को खाना देते हैं। okay.
आप बोर्ड में भी देख सकते हैं, ये सारे यहाँ पर बोर्ड पे लिखा गया है। हम लोग बोर्ड में एक कर देते हैं, डेली बेसिस में हम इसमें लिख देते हैं कि बच्चों को डेली क्या देना है नहीं देना है। तो ये आपका हो गया ब्रेकफास्ट। जैसे आज ब्रेकफास्ट में प्लेन पराठा दिया गया है, लंच का ये मेनू है, डिनर का ये मेनू है, मॉर्निंग स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स, इवन कि हम लोग कोई बच्चा अगर बीमार हो जाता है उसका उसके भी ध्यान रखते हुए हम लोग ये खाना प्रोवाइड करते हैं। तो परफेक्ट जो डाइट है ना बच्चों के लिए कि क्या 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 उनको खिलाना चाहिए, एक दिन में क्या क्या उनको ज़रूरत होती है, जो भी न्यूट्रिशियस फूड है सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगी यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए प्लेन पराठा, आलू, चना दाल, कट फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स भी बच्चों को यहाँ पर ब्रेकफास्ट में दिया जा रहा है। लंच में यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी बाहर, कि ग्रीन पीस पुलाव हो गया, वेज मूंग दाल हो गया, कढ़ाई पनीर, हरी चिली पोटैटो, दही भल्ला, स्वीट चटनी एंड पापड़ और सलाद यहाँ पर जो है वो सर्व किया जा रहा है। और डिनर में राइस या रोटी कुछ भी ऑप्शंस वो ले सकते हैं, मिक्स दाल फ्राई, आलू पनीर, सीजनल भाजी एंड टार्ट यहाँ पर बच्चों को नहीं दिया जाएगा। और उसी को फॉलो करते हुए जैसे सर ने बताया, पेशेंट जो बच्चे कई बार बीमार हो जाते हैं, कुछ उनको फूड पॉइजनिंग हो जाता है, कुछ भी हो सकता है राइट, तो उनके लिए ये पेशेंट्स के लिए उनको हेल्दी डाइट की बहुत ज़रूरत होती है, थोड़ा सा लाइट खाना वो खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये सारे चीज़ें यहाँ पर दिए गए। I would like to share one good news to you that our school has won the cluster, volleyball cluster, and they are going for the national game. National. And for the players also, we have a different different diet for them. Okay. This is only for the players. It's for the evening time, pasta, veg soup. After the practice. वॉलीबॉल प्रैक्टिस। ये भी काफ़ी अच्छी बात है, जैसे सर ने बताया कि यहाँ के बच्चे नेशनल खेलने के लिए जा रहे हैं, तो उनका डाइट का खासा ध्यान भी स्कूल रखने वाला है। और आफ्टर द प्रैक्टिस उनके लिए यहाँ पर जो इवनिंग टाइम में जो भी प्लेयर्स खेल कर आएंगे उनके लिए स्पेशल यहाँ पर मेन्यू जो है वो ऑलरेडी सेट किया जा चुका है। हर दिन नए नए मेन्यू यहाँ पर ज़रूर से लाए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो यहाँ पर खाना एंजॉय करें, इस बीच हम थोड़ी सी बातचीत उनसे करना ज़रूरी समझ रहे हैं, क्योंकि ये फीडबैक उनके मुंह से जानना बेहद ज़रूरी है कि उनको यहाँ का फूड कैसा लगता है, दे आर एंजॉइंग और नॉट, ये ज़रूर से हमें जानने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ भावना। यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम कालियागंज, आई स्टे हियर एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10। ओके, यू आर एंजॉइंग द फूड, सो फूड क्वालिटी कैसा है? द फूड सर्व्ड हियर इज़ रियली वेरी टेस्टी एंड डिलीशियस and it's very nutritious as well. We get served 5 times meal a day. Okay. And we are just not served rice and dal, we get served different types of food and it changes every day. We also have an in-house bakery wherein we are served with different types of bakery items like cupcakes, pasta and burger and all such things. And we are served with food that are very nutritious and it is given in a proportionate value, keeping in view our nutritional value as well. And it's really good here. Okay, in breakfast, what are the food options you get? In breakfast, we get served with bread, sometimes roti and chana dal, and sometimes utpam. It gets changed every day. अमेजिंग। देखिए जैसे मैंने आपको फर्स्ट में ही कहा ना, यहाँ पर ब्रेकफास्ट में जो चेंजेस किए जाते हैं, लाइक आज अगर एक फूड ऑप्शंस दिया जाता है, नेक्स्ट डे उसको चेंज करके कुछ दूसरा दिया जाता है, वेज नॉन वेज दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर चलते हैं। सो आप वेज ऑप्शंस दोनों ही यहाँ पर? या, वी आर प्रोवाइडेड विद ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, वी गेट वेज एंड नॉन वेज, एवरीथिंग सर्व्ड। तो देखिए हमने एक बच्चों से तो ज़रूर से बातचीत कर ली, लेकिन बात करें यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बातचीत करना ज़रूरी है। आपका नाम? रणविजय सिंह। अच्छा रंग जो है, यहाँ पर जो खाना प्रोवाइड किया जाता है ना, तो आपको वेज ऑप्शन ज़्यादा पसंद आते हैं या नॉन वेज ऑप्शन ज़्यादा पसंद आते? वेज वेज ऑप्शन। अच्छा, तो क्या कुछ अलग अलग डे में यहाँ पर आपको खाना प्रोवाइड किया? हाँ, अलग अलग डे में अलग अलग खाना, जैसे कि वेडनेसडे में वेज और नॉन वेज, और अदर डेज लाइक पोटेटोज एंड अदर थिंग्स, भाजीज एक्सेट्रा। अच्छा, तो अगर बात करें ब्रेकफास्ट तुमको ज़्यादा अच्छा लगता है, तो या फिर जो स्नैक्स जो इवनिंग टाइम पे दिया जाता है वो तुमको ज़्यादा पसंद आता है? स्नैक्स पसंद आता है। तो तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो फिलहाल अभी? सेवेंथ में पढ़ते हो, राइट? वो कहाँ से तुम? मालदा। मालदा से। तो देखिए यहाँ पर ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कालियागंज हो गया, मालदा हो गया, बाहर से भी, यानी कि जो दूसरी कंट्री जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, वहाँ के भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं। तो फिलहाल हमने रणविजय से बात किया, आप खा सकते हो। तो देखिए उनको ज़्यादातर वेज जो फूड ऑप्शन है वो यहाँ पर पसंद आता है। इसके अलावा भी मैं दिखाना चाहूँगी कि जो यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी है ना, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रखी गई है।
तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर सिटिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट 300 प्लस बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ में बैठकर यहाँ पर लंच डिनर और जो ब्रेकफास्ट है वो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर 5 times मील जो है वो पर डे के हिसाब से यहाँ पर बच्चों को दिया जाता है। और आप देख सकते हो कि बिल्कुल प्रॉपर सब कुछ मेंटेन करते हुए बच्चे यहाँ से अपना खाना फिनिश करते हुए अपने प्लेट्स लेकर वॉश के लिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से एक डेकोरम को फॉलो करते हुए सारे चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो देखिए हमने आपको डाइनिंग हॉल तो ज़रूर से दिखा दिया स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर रखे गए। नेक्स्ट देखते हैं सर हमें क्या दिखाते हैं। सर मैम दिस इज द इन्फर्मरी नो द स्कूल इन्फर्मरी हॉस्टल इन्फर्मरी वे वी हैव गॉट 3 ट्रेन नर्सेस 24/7 व्हेन एनी चाइल्ड गेट सिक विल गेट द फर्स्ट एड हियर एंड इफ एनी मेजर एलिमेंट यस मेजर एलिमेंट वी रिफर टू द डॉक्टर्स हियर प्लीज कम। फर्स्ट एड के लिए या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे खेल कर या फिर कुछ भी हो सकता है उनको फर्स्ट एड की ज़रूरत हो जाती है। जो फर्स्ट उनके लिए ज़रूरत होता है कई बार ऐसा भी हो जाता है कि धूप से या फिर उनको थोड़ा सा अनकॉन्शियस फील होता है तो उनके लिए फर्स्ट एड या फिर जो फर्स्ट प्राइमरीली जो उनको चिकित्सा की ज़रूरत होती है वो यहाँ पर उनका कम्प्लीट कराया जाता है। उसके बाद अगर इफ़ नेसेसरी तो उनको बाहर की तरफ हॉस्पिटल की तरफ रुक कराया जाता है। लेकिन ये जो है ये इनका इन हाउस है स्कूल के अंदर पर ये बनाया गया है। बहुत ही अच्छा ये पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पर की गई है। For the boys infirmary and girls different we have 2 rooms. This is the boys one. Okay. The girls one we have another one there next to this room. Okay. So any you know minor ailments, any stomach pain or fever, whatever it is, they get treated here. Okay. And as I told, we have 3 trained nurses here. And any major cases we refer to the doctors and we inform the parents also regarding this. North Point Residential School Siliguri continues to excel in academics, setting a high standard in the region. Since its CBSE affiliation, the school has consistently produced toppers in both the 10th and 12th board exams. In internal exams from nursery to class 9 and 11, students have been performing exceptionally well, reflecting the strong academic foundation the school provides. Beyond school, NPRS students regularly qualify for competitive exams like NEET, CLAT, JEE and CA, securing placements in some of the top colleges and universities across India. The school's highly qualified teachers and exceptional faculty make it one of the best in the North Bengal region, ensuring that students receive the highest quality education and guidance for their futures. This portion, that is the space, like so, that is the air space. What is it called? Air space. So, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्लासेस ऑलरेडी चल रहे हैं और यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एग उसको यहाँ पर समझाया जा रहा है। जैसे उनके बुक्स पर जो भी स्पेसिफिक कोई भी सब्जेक्ट है लाइक कोई भी टॉपिक के ऊपर पढ़ाया जाता है उनको यहाँ पर प्रैक्टिकली समझाया भी जा रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हो इस तरफ में कि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बच्चों को अच्छे से समझाया जा सके। सो दिस इज़ वेरी यूनिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग। तो आप देख सकते हो ये सभी नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल पर सिखाया जाता है। सो वी हैव जूनियर कोऑर्डिनेटर सुदीप्ता मैम विद अस। हेलो मैम, वेलकम टू खबर समय। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम टू NPRS। मैम हम देख रहे थे कि काफ़ी यूनिक तरीके से आप पढ़ा रहे थे। यस मैम, वेर एवर इट इज़ पॉसिबल वी ट्राई टू एक्सप्लेन विद ऑल द टीचिंग एड्स एंड वी यूज़ द स्मार्ट बोर्ड्स एंड नॉट ओनली दैट वी टेक दैम आउटसाइड फॉर द एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑल्सो। दे गो अराउंड इन द स्कूल प्रमाइसेस टू सी द वेरियस काइंड ऑफ ट्रीज एज वेल एज द लीव्स वैन वी स्टडी अबाउट द प्लांट्स इवन द सॉयल्स हाउ सॉयल इरोशन इज कॉज वी हैव एक्सप्लेन दैम थ्रू लाइक आई ब्रॉट अ स्मॉल फैन आई डिड इट एंड थ्रू वाटर ऑल्सो हाउ वाटर कैन डू द सॉयल इरोशन। सो वी ट्राई टू गिव दैम द एक्सपीरियंशियल नॉलेज सो डिफरेंट डेमोस्ट्रेशंस एंड ऑल एंड दे इवन विजिट द लैब्स ऑल्सो। Today we are learning about the internal structure of a hen's egg actually, and that is why the egg has been brought, both the cooked one also and the raw one also. So they learn the different parts of it. So, देखिए
देखिए काफ़ी जो हम बच्चे एग्स को घर पे भी ज़रूर से खाते होंगे, उसको देखते होंगे कि क्या पार्ट्स होते हैं उसके, अलग अलग क्या कुछ उसके नाम होते हैं। आज उनको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज भी मिला। और यहाँ पे देखिए आप स्मार्ट बोर्ड जो डिजिटल बोर्ड है उसके द्वारा भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। दैट मीन्स फुल जो सोर्स है उसको यूज़ करते हुए NPRS यानी कि नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक्स अ लॉट। वाइस प्रिंसिपल मिस्टर जॉर्ज सर इस वक्त हमारे साथ हैं। हेलो सर, वेलकम टू खबर समय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। प्लीज टेल अस अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल। व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर हियर? नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल इज अ स्टेडली ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन इन सिलीगुड़ी। इट वॉज एस्टैब्लिश हियर इन रानीरंगा इन 2012। फ्रॉम देन वी हैव ग्रोन कंटिन्यूसली एंड टूडे we stand out as one of the foremost institutions in Siliguri in terms of infrastructure, in terms of performance, in terms of extracurricular activities and so on. In Siliguri as well as in and around Siliguri, in the neighboring states, even in Nepal, Bangladesh and so on, people know us. So we have become a brand. Other than academics, we concentrate on co-curricular as well as extracurricular activities. Okay. Whether it be performing art or whether it be games or sports, whether it be indoor or outdoor, our children are doing very well. Since the past 2 years, our volleyball team is participating in cluster. Last year, we were under 19 team champions among West Bengal, Odisha and Chhattisgarh teams. This year, we went for under 17 because our higher class students prefer to stay back on academics, and so we went for an under 17 team. Under 17 team also has done so well. We have won the cluster championship, and our team is going to for the national championship to Himachal Pradesh. Our team is going for the national championship. That's a great, glorious things. Other than that, we have a very good basketball team. We have got a very good football team. We have got a badminton team and so on and so forth. And some of our chess students playing chess are also doing very well in the district and the states as well. So we have a lot of proud things to speak about and share with the general public as well as the parents. Apart from the games and sports, or bhi kya kuch extra co-curricular activities are there so that students are doing? Yeah, what is essential today? Today, people look for not only academics, also parents when they come for admission to the hostel particularly, they ask for whether there are extracurricular or co-curricular physical activities where the children need to blend themselves into the things. We say, you know, we very well say, sound mind is found in a sound body. To have a sound body, we need to exercise. Our children, particularly the boarders, they have in the morning at 5:30 every day they have yoga sessions. Specialists come from outside and conduct yoga sessions. Then throughout the day in the school, we have got a physical activity, whether it be games or PT or synchronized activities. And then in the evening for the boarders, we got more than an hour's games period where we have coaches in different departments. They come and coach the teams, and that's why our teams are doing for outdoor and indoor games as well. Yeah, as well. And that's why our teams are doing better and better, you know, day by day, and we are even going for the nationals, you know. It's a great achievement, you know. Okay. Yeah. So what message you want to convey to the audience about North Point? Obviously, North Point today stands as a trusted brand, you know. Parents come by choice looking out for an institution where there is a blend of good faculty members, good teaching facilities and, you know, infrastructure, you know, where there is the most modern techniques of imparting education is there, as well as co-curricular activities like games, sports, music, you know, singing, dancing, all that we have.
And throughout the year, we keep on conducting various competition where children get chances to show themselves, show their talents, and they come forward and shine, you know. And our recent great success was our Sudrador, who used to perform in the school occasionally, and now he stands out nationally as a great, great contender, you know. We wish him also all the best. मैं बता दूं, जैसे कि सर ने बताया कि एक राइजिंग स्टार के रूप में शुभ सूत्रधर स्कूल में मौजूद थे और अभी भी वो यहीं से बात करें कि उन्होंने जो अपनी उपलब्धि की जो सीढ़ियां हैं यहीं से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया. नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल के ही वो स्टूडेंट थे और उन्होंने सुपरस्टार सिंगर में सीजन 3 हम कह सकते हैं वहाँ पर उन्होंने जो आप कह सकते हो कि स्कूल का नाम तो रोशन किया ही है, हम सभी को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करवाया है. तो आप कह सकते हो कि ऑलरेडी स्कूल काफ़ी अच्छे मुकाम पर है, लेकिन कहीं ना कहीं बात आती है कि यहाँ के स्टूडेंट पर क्या 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 स्टूडेंट कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है. तो मैं बता दूं कि यहाँ पर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बच्चे अच्छा कर रहे हैं. अगर बात करें कल्चरल प्रोग्राम्स की, वहाँ पर भी बच्चे जो है वो बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. स्टेज फेयर उनको नहीं है, कॉन्फिडेंस, दे आर वेल कॉन्फिडेंट. तो आप कह सकते हो कि बच्चों का ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो स्कूल में ज़रूर से हो रहा है. तो सर, जैसे कि हमने देखा कि शुभ सूत्रधर जब आए थे तो स्कूल में भी काफ़ी अच्छा वेलकमिंग उनका किया गया था. तो आने वाले जो बच्चे हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि सो दैट दे ऑल्सो. No, definitely it was a very, very proud moment for us, Shubh, doing so well nationally. We had a recently a very grand welcome for the volleyball team returning from the cluster tournament. And definitely we look forward our children coming out and showing themselves forth and shining in, you know, not only in the district level, state level as well as national level. Our purpose of education is exactly that, shine wherever you are. हम जरूर चाहेंगे कि सिर्फ नेशनल या रीजनल में नहीं बल्कि वो इंटरनेशनल लेवल पर भी परफॉर्म करे और ऐसा ही स्कूल का नाम जो है वो बरकरार रखे. थैंक यू सो मच सर. सीबीएसई क्लस्टर 2 वॉलीबॉल टूर्नामेंट में एनपीआरएस के स्टूडेंट ने अपना जो खिताब है यानी कि जीत का खिताब है वो अपने नाम किया है. और आपको बता दें कि अभी हम सर से बातचीत करेंगे, ब्रह्मचार्य सर से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आफ्टर विनिंग क्या कहना चाहेंगे वो, तमाम स्टूडेंट्स को किस तरीके से ग्रीट करना चाहेंगे. सर, वेलकम टू खबर समय. हेलो, माय नेम इज विपिन ब्रह्मचारी, आई एम द वॉलीबॉल कोच ऑफ नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द बॉयज एज वेल एज आई एम वेरी थैंकफुल फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल माइटी गॉड, बिकॉज विदाउट हिज सपोर्ट वी कान डू एनीथिंग, वी नीड हिज ब्लेसिंग्स. एंड द नेक्स्ट थिंग इज आई वुड लाइक टू थैंक आवर मैनेजमेंट हु हैज बीन ट्रिमेंडस सपोर्ट फॉर अस. दे हैव प्रोवाइडेड अस ऑल द इक्विपमेंट्स, नेट, एवरीथिंग, वॉट एवर द थिंग्स आर नीडेड फॉर स्पोर्ट्स. एंड इट्स नॉट जस्ट विनिंग, इट्स द प्रोसेस. Like we have started this preparation from the beginning of the year. Last year also we have won the under 19 clusters, and this year we have prepared for under 17 just because we have boats nearby. Boats, yeah. So the guys of class 11 and 12, they are mostly focused on studies. So we have prepared our younger ones. So this year we have won the under 17 clusters. Cluster 2 is, which means like it includes all the best schools of West Bengal, Odisha and Chhattisgarh. Including three states. जैसे कि सर ने बताया कि पिछले साल अंडर 19 के लिए खेला गया था, तब भी जीत जो है वो एनपीआरएस यानी कि नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल को ही मिली थी क्लस्टर लेवल पर. और बात करें कि इस बार अंडर 17 खेला गया था छत्तीसगढ़ में और वहाँ भी जो जीत का खिताब है वो एनपीआरएस को ही मिला है. अब जाने वाले हैं नेशनल लेवल खेलने के लिए, राइट सर? या, नेशनल्स विल बी गोइंग टू कसौल. ओके, सो वी आर लीविंग ऑन 17th ऑफ दिस मंथ अक्टूबर. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. वी आर ट्राइंग रियली हार्ड so that the guys can perform. How well they are practicing, like they are giving their best. Schedule is like we have games time around from 3:30 to 4:30. Okay. But because of the nationals and before cluster also, the management has given us extra time. So nowadays we are practicing from 3:30 to around 5:30. So the guys are getting extra diet also. So yeah, they are working hard. Everything we are trying to provide the guys so that they can have a good and healthy future and they can have a great stay out here as well. Along with studies, we need to like play or do extracurricular activities also. Exactly. So that our mind remains in a good state. Exactly.
एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच सर. मैम, नवीनल सिंह, एडमिशन इंचार्ज ऑफ नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल, हमारे साथ फिलहाल इस वक्त मौजूद है. हेलो मैम, वेलकम टू खबर समय. थैंक यू सो मच मैम. मैम, वी हैव हर्ड दैट एडमिशंस आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, सो क्या है एडमिशन प्रोसीजर, क्या है, किस तरीके से अगर कोई स्टूडेंट हमें देख रहा है, कोई पेरेंट्स हमें देख रहा है, तो किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, प्लीज. अच्छा, आई वुड लाइक टू टेल यू, एडमिशंस अभी हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली वी हैव जस्ट स्टार्टेड बिगन विद गिविंग अवे फॉर्म्स राइट नाउ. तो पेरेंट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन ऑल्सो, ऑफलाइन ऑल्सो दे कैन अप्लाई. ओके, नाउ थिंग इज दैट देर इज सर्टन क्राइटेरियाज विच वी हैव. एक्चुअली वी हैव अ यू नो फर्स्ट फेज ऑफ एंट्रेंस टेस्ट दैट इज दैट वी आर कंडक्टिंग ऑन 9th ऑफ नवंबर फॉर डे स्कॉलर्स एंड फॉर 16th ऑफ नवंबर फॉर बोर्डिंग स्टूडेंट्स. सो इफ दे क्वालिफाई ओनली देन वी कैन गो फॉर द एडमिशंस. दैट इज अ क्राइटेरिया. क्वालिफाइंग एग्जाम इज देयर, लाइक सम एंट्रेंस टेस्ट इज देयर, और उसके बाद ही आपके बच्चों को यहाँ पर टेस्ट लाइक एडमिशन्स के लिए यहाँ पर आपके बच्चे, ये क्राइटेरिया कुछ यहाँ पर रखे गए हैं. दैट टेस्ट कब होने वाले मैम? 9th of November फॉर डे स्कॉलर्स एंड 16th ऑफ नवंबर फॉर बोर्डर्स. मैम, टेस्ट बहुत ज़रूरी आपने तो बता दिया, लाइक कौन कौन से क्लासेस के लिए एडमिशन स्टार्टेड है, थोड़ा सा हमें ये भी बताइए. एक्चुअली वी हैव बिगन फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 9 टिल नाउ. क्लास 9, क्लास नर्सरी टू क्लास 9. ओके, और अगर कोई 11, 12 के लिए भी कई बार ऐसे हो जाते तो वो न्यू सेशन से फिर स्टार्ट. यस मैम, दे कैन अप्लाई फॉर द फॉर्म्स एज ऑफ नाउ, बिकॉज उनका तो अभी प्री टेस्ट वगैरह ये सब इट्स स्टिल लेफ्ट. सो जैसे ही वो कंप्लीट होगा, लाइक सीइंग द प्री फाइनल्स रिजल्ट, वी कैन गो फॉर द एडमिशंस. मैम, यहाँ पर स्कूल की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो है यहाँ पर तीनों ही स्ट्रीम 11, 12 में आपको मिल जाएंगे, लाइक साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज के आपके तीनों ही स्ट्रीम एक ही स्कूल में यहाँ पर मिलने वाले. सो स्टूडेंट को जो भी चाहिए वो आप यहाँ पर आकर इजीली कर सकते हो, और बोर्डिंग की जो तो यहाँ पर बात है ही, वो आप इजीली यहाँ पर आकर अवेल कर सकते हो. रेस्ट इज अगर एनीबडी हु सीकिंग फॉर एन एडमिशन और फॉर एनी काइंड ऑफ यू नो इन्फॉर्मेशन, दे कैन कम टू द स्कूल, दे कैन टेक द डिटेल्स यू नो, एंड ऑनलाइन ऑल्सो दे कैन अप्लाई. बट आके एक स्कूल को देखना, यू नो, गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं पेरेंट्स को यूजुअली, बिकॉज सी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो, चाहे वो आप वर्चुअल कितना भी देख लो, बट आपको मन में वो डाउट रहेगा ही. बट आप आके, हाँ, जैसे देखो 11 का बहुत सारा क्वेरीज रहता है, बिकॉज वी हैव थ्री स्ट्रीम्स विद अस, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज. एंड सेम वाइज जैसे नर्सरी टू क्लास 9 का भी अब क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, मैम आप लोग क्वेश्चंस ले रहे हैं बहुत सारे, तो उसी के लिए आई वुड वांट पेरेंट्स और हुएवर गार्डियंस आर देयर, दे कैन कम स्कूल, दे कैन विजिट स्कूल बिटवीन 10 AM टू 3 PM एंड दे कैन सी द स्कूल अराउंड एंड टेक ऑल द डिटेल्स. ओके मैम, आपने बताया कि ऑनलाइन भी कोई पेरेंट्स अगर हो सकता है कारणवश नहीं आ पा रहे, सो वेबसाइट क्या है थोड़ा सा हमें बता दीजिए. श्योर मैम, अगर वेबसाइट के थ्रू से पेरेंट्स आ रहे हैं, देन इट विल बी www.nprs.co.in. तो बच्चे अपने घर के लिए निकल पड़े हैं, और कुछ बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं वो भी अपने अपने जो स्पेस है वहाँ तक पहुँच चुके हैं, हॉस्टल एरिया पर चले गए हैं. मैं बता दूं कि आज खबर समय की टीम ने नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल में अपना पूरा दिन गुजारा, हमने आपको दिखाया यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या है, एकेडमिक से रिलेटेड हमने सभी चीज़ें यहाँ पर जानने की कोशिश की, और आज हमने आपको ये दिखाया कि क्यों नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल जो है इतना खास है. तो यहाँ का सारी चीज़ें हमने आप तक लाने की बिल्कुल बहुत कोशिश की. हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में नॉर्थ पॉइंट रेजिडेंशियल स्कूल जैसा नाम कमा रहा है, वो आने वाले दिनों में भी ऐसे ही उपलब्धियों की जो सीढ़ी है उसको हासिल कर ले, और कहीं ना कहीं बात करें कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी से लेकर हॉस्टल फैसिलिटी से लेकर सब कुछ आपके बच्चों के लिए यहाँ पर किए गए हैं. और अगर आपके बच्चों का आप एडमिशन करवाते हो बहुत ही छोटी एज पर, अगर आप कह सकते हो कि प्राइमरी अगर विंग में आप अपने बच्चों का एडमिशन कराते हो, तो टिल 12 तक आपके बच्चों का कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं. उनके एकेडमिक्स, उनके को करिकुलर एक्टिविटीज़, सब कुछ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाता है. तो आपको अगर स्कूल के बारे में जानकर अच्छा लगा, आप अगर और भी कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दें कि यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मैं आपको रिपीट कर दूँ कि 9735277777, इसके अलावा भी 9735377777 पर आप कॉन्टैक्ट करके स्कूल से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप अगर जानना चाहो तो इजीली जान सकते हो. फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें, और देखना ना भूलें खबर समय, हर समय खबर समय. धन्यवाद.